हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? ओके, तो बेटा आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन स्टार्ट। क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन, राइट? हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, मूव करती है, देन द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी, अब सर्कुलर मोशन क्या हुआ, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एनी बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? तो उसका जो मोशन होता है, वो मोशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? क्लियर है? अब आप इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो। बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले हमारे पास, अब हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में बेसिक टर्मिनोलॉजी। आपने डेफिनेशन लिखनी है सर्कुलर मोशन की, तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सिंपल सी बात है कि व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बॉडी की कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती जाती है, चेंज हो। जैसे मान लो मैंने क्या बताया, ये आपको पहले भी मैंने बताया, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, लेकिन स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी जो है वो हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। जब हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। तो कोई भी पार्टिकल हमारे पास है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम सकता है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम सकता है, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं घूम सकता। समझ आ गई? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ रिलेटेड होती है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्या कांस्टेंट होगी उसकी, स्पीड कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? पता चल गया, समझ आ गई? इसके बाद मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपने क्या करनी है, कॉपी के ऊपर नोट करनी है हर चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, इनकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। डेफिनेशन मैंने बोलनी है, लिखनी नहीं है, राइट? इसलिए आपने ध्यान से सुना। सबसे पहले आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपने डेफिनेशन लिखनी है। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? और इसके यूनिट होते हैं रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, उसके जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं, रेडियन होते हैं, ठीक है? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, ध्यान से सुनना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारे पास पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, पहले वो यहां पर था एट एनी टाइम टी, मान लो सपोज करो यहां पर टाइम टी था, फिर यहां पर पहुंच गया, यहां पर टाइम क्या है, टी डैश। पहले ए के ऊपर था, फिर कहां पर चला गया, बी के ऊपर। तो ये जो एंगल आपका बना, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना था यहां पे, टी डैश माइनस टी, कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होगी जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल, तो यही एंगल डिस्क्राइब हुआ एंड दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, क्या बोलेंगे हम इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नंबर टू, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि एंगल का क्या फार्मूला होता है. एंगल, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस. एंगल किससे होता है? आर्क ओवर रेडियस. ये आपका रेडियस है, ये आपकी ए बी क्या है? दिस इज आर्क. व्हाट इज दैट? आर्क. तो आर्क को हम क्या लिखेंगे? ए बी. रेडियस कितना है? आर्क. एंगल कितना है? थीटा. ठीक है, क्लियर, पता चल गया. तो ये हमारे पास एंगल है. और एक बात याद रखनी है कि टू पाई रेडियंस हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं. अगर हम एंगल रेडियन में ले रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? अगर 2 पाई रेडियन 180 के बराबर है तो 180 किसके बराबर होगा? 180 अपॉन 2 पाई. तो जब भी आपने कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये रिलेशन आपने यूज करना है. ये पता चल गया एंगल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? आर्क अपॉन रेडियस. और 2 पाई रेडियन ये हमेशा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है. इतनी बात क्लियर होगी बेटा, चलें आगे. अब उसके बाद आ गया हमारे पास, अब एक और बात कि जो हमारे पास एंगल है वो डायमेंशनलेस होता है. एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई भी डिमेंशन नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस. ये भी पॉइंट आपने नोट करना है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है. क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस दोनों लेंथ है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये डायमेंशन लेस आ गई. इज दैट क्लियर? समझ आ गई? आ गई होगी, है ना? इतना तो मैंने बता दिया आप. अब भी नहीं समझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो फिर कभी भी नहीं आए, है ना? चलो आगे. अब है हमारे पास नेक्स्ट इज एंगुलर स्पीड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज एंगुलर स्पीड. व्हाट इज एंगुलर स्पीड? द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन. इसको ओमेगा के साथ नोट करते हैं. रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, इसको हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं. ओमेगा. इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा. ओ एम ई जी ए. डब्ल्यू की तरह होता है, थोड़ा इसकी टांगे जाओ इस तरफ को कर देते हैं अंदर की तरफ, ओमेगा बन जाता है. द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर स्पीड. तो हम अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा किसके बराबर होगा? थीटा ओवर टी. दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड. राइट, डेफिनेशन पर चल गई. द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. अब यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड, यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड क्या होगा? एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. हमारे पास क्या बन गया? रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या आ गया? रेडियन पर सेकेंड. इसका डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला निकालोगे आप. इसका डायमेंशन कोई नहीं है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी. तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना आ गया? टी माइनस वन. सो दिस इज द एंगुलर स्पीड. राइट, क्लियर है, पता चल गया. अब थर्ड आता है हमारे पास, दिस इज सेकेंड. अब हमारे पास क्या आएगा? थर्ड, दैट इज टाइम पीरियड. ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको आनी चाहिए बेटा. थर्ड पॉइंट इज क्या बोला मैंने? टाइम पीरियड. अब
अब हम बेटा करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको टी के साथ नोट, किसके साथ नोट करते हैं? टी के साथ नोट करते हैं, ठीक है। मतलब एक रोटेशन हो, यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, फिर यहां पर आ गया, ये वन रोटेशन हो गई। यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर आ गया, दिस इज वन रोटेशन। जितना टाइम लिया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। राइट, क्लियर है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर दिस टाइम पीरियड हमारे पास जो फोर्थ टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी फोर्थ, वो हमारे पास क्या है? दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन वन सेकेंड। द नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी रोटेशन कर दी? जैसे ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए पे चला गया, फिर ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए पे चला गया, एक सेकेंड में इसने कितनी रोटेशन की? द नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा हम उसको? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ नोट करते हैं, पता है आपको? ये है निशान, दिस इज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर हम देखें, ये होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? पता चल गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन अपॉन टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? पहला है सीपीएस, साइकिल पर सेकेंड। व्हाट इज दैट? साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस। या इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, एच ई आर टी जेड, इसको इन शॉर्ट एच जेड लिखते हैं। सीपीएस, हर्ट्ज, और दूसरा सेकेंड इनवर्स। तीन यूनिट मैंने आपको बता दिए, सीपीएस, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, दिखाई नहीं दिया, सेकेंड इनवर्स, ये इसके यूनिट। राइट, साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज, एच ई आर टी जेड, हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वन पॉइंट टाइम क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स हो गया। फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज भी होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल पर सेकेंड भी होता है। इज दैट क्लियर? पता चल गया। चले आगे, डिमेंशन आपको पता है, इसकी डिमेंशन क्या होगी? वन पॉइंट टी, तो टी माइनस वन इसकी क्या आ जाएगी? डिमेंशन। डिमेंशन अगर आप देखोगे तो टी माइनस वन, साथ साथ में नोट करते रहे ना हर चीज पे। क्लियर, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड तो हमने कर ली, अब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको आपने ध्यान से देखना। फिफ्थ टर्म जो है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देखें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, उसके ऊपर वेक्टर लगा दो तो एंगुलर वेलोसिटी बन गई। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने इसको डिफाइन करना है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी
हूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड, हूज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड, मैग्नीट्यूड की बात तो होगी, अब रहेगी डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? व्हाट इज एंगल वेलोसिटी? एंगल वेलोसिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to angular speed and direction is along the axis of rotation, right? उसको denote कैसे करते हैं? Omega bar से denote करते हैं, right? और omega bar जो है, इसको बोलते हैं axial vector. बताया था ना मैं axial vector क्या होते हैं? Whose direction is along the axis of rotation? Axial vector बोलते हैं इसको, right? Simple vector. मैंने बताया था definition जब मैंने vector किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि angular velocity axial vector होती है. अब पता चला कि angular velocity क्या होती है, right? Clear है? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे relation between omega and t. Clear? Definition note कर ली. अब हम करेंगे relation between omega and t. Omega. What is omega? ये angular speed and time period. What is the relation between omega and t? ध्यान से देखना. Omega हमारे पास क्या था? Angular speed. This is angular speed. This is time period. Angular speed क्या थी? Angular displacement upon time. यही किया हमने. यही किया. लेकिन theta अगर हम इसको radian में लेंगे, तो किसके बराबर होगा? Theta जो है वो radian में होता है. Radian में होता है मतलब 2 pi radian upon T, 2 पाई रेडियन अपॉन टी. टी किस में होता है? सेकंड में. मैंने यहां पर 2 पाई रेडियन क्यों लिया? क्योंकि जो आपकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, थीटा जो है वो किस में था? हमारा डिग्री में था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर, ठीक है? क्लियर है? वैसे भी अगर आप देखोगे तो यहां से चला पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी? 2 पाई हुई. अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो कितना हुआ ये एंगल? यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, 2 पाई रेडियन, राइट? क्योंकि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, राइट? सो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 2 पाई रेडियन बाई टी. तो रेडियन पर सेकंड, ओमेगा का यूनिट मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेडियन पर सेकंड होता है. सो इसलिए ओमेगा जो आ गया वो आ गया 2 पाई बाई टी, यूनिट क्या बना? रेडियन पर सेकंड. So this is omega. So this is the relation between omega. कभी भी आपसे पूछे कि what is the relation between omega and time period, you can write omega that is equal to 2 pi by t. दूसरा relation, आपको ये भी पता है कि what is the relation between frequency and time period. Frequency and time period में क्या relation है? What is the relation between frequency and time period? अगर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करें तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 अपॉन टी के बराबर. ये भी आपने किया. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. देखो एक ही मैंने तीन रिलेशन करा दिए. पहले मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, फिर मैंने बता दिया कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर, राइट? ये हमने पहले किया था. फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होती है. अब इस रिलेशन को देखो ध्यान से. यहां पर ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर है. ये मिटा दूं ऊपर वाला. चल हमारे पास जो ओमेगा है वो 2 पाई बाई टी के बराबर है, राइट? लेकिन 1 अपॉन टी किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा किसके बराबर हो गया? 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, ऐसे लिख सकते हैं. तो ओमेगा किसके बराबर आ गया? 2 पाई न्यू. दिस इज द रिलेशन. ध्यान से सुनना, ये रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में है, ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में है, और ये रिलेशन किसमें आ गया? फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड में. समझ आ गई? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड. तो ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर भी होता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी के बराबर भी होता है, और 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर.
गॉट इट, समझ आ गई? चलो समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन, ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन, ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन किस किस में? लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ड्राइव आर रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, करें आप इसको, चलो ध्यान से करना। हमारे पास रिलेशन जो है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में, उसको हमने क्या करना है? ड्राइव करना है। ये हमारे पास पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, राइट। पहले वो ए पॉइंट के ऊपर था, फिर वो चला गया बी पॉइंट के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? डेल्टा एस। ठीक है, ये एंड दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। क्लियर? इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा। यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो डेल्टा टी लगा। क्या लगा टाइम? डेल्टा टी। क्लियर, पता चल गया? हमारे पास कोई पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एट टाइम टी वो यहां पर था, एट टाइम टी डैश वो यहां पर था, तो हमारे पास जो डेल्टा टी आया वो किसके बराबर आया? टी डैश माइनस। क्लियर, राइट। अब डेल्टा थीटा क्या? व्हाट इज डेल्टा थीटा हियर? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा ये? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस किसके बराबर है? जो आपने यहां से लेके यहां, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ए से बी तक जितना उसने आर्क कवर किया, डेल्टा एस वो आर्क। अब एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा ये किसके बराबर होती है? व्हाट इज एंगुलर स्पीड ओमेगा? ओमेगा किसके बराबर होगी? पता है आपको? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एंगुलर स्पीड, यही है। श्योर? अरे नहीं, ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर स्पीड में कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमारे पास लीनियर स्पीड होती है, दिस इज एंगुलर स्पीड, और लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, लीनियर कभी गलती मत करना, ये लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। लीनियर स्पीड कितनी होती है बेटा? वी, वो किसके बराबर होगी? वो होगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। आप समझ में आया कि एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या गलती करते हैं बच्चे? एंगुलर स्पीड मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। ओके, क्लियर है, पता चल गया। अब ये एंगल है, एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान से सुनना, हमारे पास जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। ये किसके बराबर होगा? आर्क ओवर रेडियस। एंगल किसके बराबर होगा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है? आर्क कितना है? दैट इज डेल्टा एस। रेडियस कितना है? तो डेल्टा थीटा किसके बराबर हो गया? डेल्टा एस अपॉन आर के बराबर। सही, क्लियर है? यहां से डेल्टा एस की वैल्यू निकालो। डेल्टा एस किसके बराबर बन गया? आर डेल्टा। डेल्टा एस किसके बराबर हो गया? आर डेल्टा थीटा। दिस इज इक्वेशन, पता चल गया बेटा? इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो हमारे पास एंगुलर स्पीड आ गई डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
लीनियर स्पीड आ गई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और हमारे पास डेल्टा एस किसके बराबर आ गया, आर डेल्टा थीटा के बराबर। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई, वो पता चल गया। चले आगे, वेरी गुड, देख लो अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया इसमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेट इज एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड अपॉन टाइम डेट इज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, ये डेल्टा एस और डेल्टा टी हमें हमने करना, अब कुछ नहीं करना हमें, अब हमने डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, करें ये लो। अब वी हमारे पास आ गया, दिखाई दे रहा है, यस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मैं वी की वैल्यू पुट कर, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, डेट इज आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो वी किसके बराबर आ गया, अब डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना बना है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लेते हैं तो वेक्टर नोटेशन में हम v को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ओमेगा क्रॉस r, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखोगे इसको, इन वेक्टर नोटेशन आपने v को ओमेगा क्रॉस r लिखना है वेक्टर नोटेशन में, ये बात ध्यान से सुन लेना, r क्रॉस ओमेगा नहीं करोगे, क्योंकि जब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं तो ओमेगा क्रॉस r से देखते हैं वेक्टर नोटेशन में, r क्रॉस ओमेगा से वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो v जो होगा वो ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे, वैसे आप इसको ओमेगा लिख लो या r ओमेगा लिख लो वो आपके ऊपर है, राइट, ओमेगा लिख लो r ओमेगा लिख लो, लेकिन यहाँ पर वेक्टर नोटेशन में आप v को ओमेगा क्रॉस r ही लिखोगे, गॉट इट, समझ आ गई, क्लियर है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ओके क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आर्टिकल वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो ये देखना, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास वो होती क्या है, देखो लीनियर एक्सेलरेशन पहले हम करेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें हमने रिलेशन निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या होती है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या होगी, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हम लिखते हैं ए दैट इज इक्वल टू डी वी बाय डी, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, इक्वेशन वन, एनी डाउट, नो है ही नहीं, क्लियर। अब आपने एक रिलेशन किया अभी अभी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज इक्वेशन टू, बोलो किया कि नहीं किया, इस v की वैल्यू यहां पुट कर दो, सो a किसके बराबर आ गया, d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा, अब r रेडियस है, सर्कल का रेडियस वेरी तो करेगा ही नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा, हम r को बाहर निकाल दें, ठीक है, अब यहां से r को हम बाहर निकाल दें, a एक्सेलरेशन डेट इज इक्वल टू r, अंदर का रह गया d ओमेगा y, व्हाट इज दैट, What is that? d omega by dt. That is angular acceleration. So a is equal to r alpha and this alpha is known as
एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी। समझ आ गई? तो एंगुलर एक्सेलरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से अभी बात कर सकता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन बनी, इसको नोट कर लो फटाफट, मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ध्यान से सुनना इसको। अब एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल गया ना, रिलेशन भी पता चल गया। तो अगर हम ये नोट कर लिया, चलो ए इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया, ए जो है आपके पास वो किसके बराबर आ गया, आर अल्फा के बराबर। व्हाट इज अल्फा हियर, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं तो इसको अल्फा क्रॉस आर लिखेंगे, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। अगर हम इसको आर को सब लिखते हैं तो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है, राइट। ये इन मैग्नीट्यूड है और ये इन, आप इसको भी अल्फा आर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको याद ना रहे तो आप इसको आर अल्फा की जगह अल्फा आर लिखते जाओ तो आपको पक्का हो जाएगी अल्फा क्रॉस आर ही लिखना है इसको, ठीक है। अब हम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात। चलो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने कर तो लिया, लेकिन हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन मतलब अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाय डी टी होता है, बट आपने ओमेगा भी निकाला होगा। यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी हो गया, राइट। लेकिन आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाय डी टी होता है, यही होता है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गया, ये डी बाय डी टी, ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, डी थीटा बाय डी। ओके, क्लियर। इसके आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये बन गया हमारे पास डेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज आल्सो अल्फा। सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, चल मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ये लो। इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टू आ गया वहां, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, पता चल गया। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, तो सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होगी, राइट। तो ये है बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है अगर आपको समझ आ जाती है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो रिलेशन करेंगे, राइट। तो बहुत सारे रिलेशंस हैं आगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो कल हम करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके बारे में, राइट। अगर आपको किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, राइट। अगर आ भी जाए तो आपने मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बेटा। तो ये जो था आज आपका, ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने, रिपीट कर करके देखना है और अपनी कॉपी के ऊपर भी लिखना है, ठीक है। और मुझे पता है कि आपका कल रिजल्ट आ गया, जैसा भी आया बहुत बढ़िया आया, आपने मेहनत की और आपकी मेहनत आपकी सफल हुई है। सो फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि
बहुत बहुत मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, खुश रहना है और पढ़ना है, आगे और मेहनत करनी है, राइट, ताकि आपके, अगर मान लो अभी आपके नंबर 80% आ रहे हैं तो आपके 90 आए, अगर 90 आ रहे हैं तो 100 आए, अगर 100 आ रहे हैं तो उससे कभी कम नहीं होने देना। गुड बाय।